विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी गेट नंबर 7 जमजम होटल के अगली हिस्से में ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें सालाना उर्स शरीफ के मौके पर ख्वाजा साहब की छट्टी के इस खुशी के माहौल में और महाराष्ट्र सामाजिक सेवा संस्था फाउंडेशन के क्याम की खुशी में फाउंडेशन के फाउंडर व प्रेसिडेंट हसन शेख ने बड़े ही शानदार पैमाने पर यहां पर ख्वाजा साहब की छट्टी का बेहतरीन पैमाने पर अहतमाम किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मालोनी पुलिस स्टेशन के सीनियर PI चीमाजी आड़ू, सिविलियन होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन परवेज आर शेख, 24 न्यूज चैनल के रिपोर्टर अब्दुल समद शेख, एशियन टीवी न्यूज रिपोर्टर वलीउल्लाह खान, समीर खान, शरीफ कुरेशी, मंगेश चौधरी, मोइन शेख, अरशद कुरेशी, शाहिद सिद्दीकी और दीगर कई सारे मेहमान भी यहां पर मौजूद थे। इस मौके पर सीनियर PI चेमाजी आड़ू साहब ने कहा कि जो कोई भी आवाम के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देता है उसे पुलिस की जानिब से भरपूर सपोर्ट भी मिलता है। वाज़ेह है कि यहां पर बिला मजहब व मिलत तमाम मजाहब के मानने वाले हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर हर ईद व त्यौहार, फिर चाहे वो गणेश त्यौहार हो, ईद मिलाप हो या फिर मिलादुन्नबी का जलसा हो, तमाम मिलजुल कर यहाँ पर त्यौहारों की खुशियाँ मनाते हैं। पेशस खसूस में चंद मनाजिर, महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। परवेश शेख जी, मेरा आपसे ये मानना है कि अभी हसन साहब ने, हसन कुरैशी साहब ने कहा कि आपके सामने वो बहुत छोटे बच्चे थे, आपसे कुछ सीख मिली है। सिविलियन एंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इस बात में कितनी सच्चाई है जो हसन साहब ने कहा? अस्सलामुअलैकुम। अभी हसन तो हमारे बच्चे ही है और काफ़ी अगर उनको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम बड़े हैं, तो बड़े के हिसाब से वो हमसे गाइडेंस लेते हैं। अभी कोई बड़े को ही देख के बच्चे अपने आगे बढ़ते हैं ना, कुछ ना कुछ सीखते हैं और इंशाल्लाह इनका हौसला भी बहुत बुलंद है मेरे बच्चे का और ये अल्लाह चाहेंगे तो काफ़ी आगे तक बढ़ेंगे। बस मालोनी पुलिस स्टेशन के सीनियर शिवाजी अड़ाव साहब भी यहाँ कुछ देर पहले आके गए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिवाजी अड़ाव साहब और पूरे मालोनी पुलिस स्टेशन का जितना स्टाफ है सबका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई हमारे मालोनी में बहुत अच्छे से, पूरे मलाड मालोनी में ये लोग बहुत अच्छा वर्क करते हैं, इनका बहुत अच्छा हार्ड वर्क है और पब्लिक से भी इनका बहुत अच्छा रिलेशन है। और मैं हसन शेख का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, ख्वाजा साहब की छठी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। जैसा कि देख सकते हैं आज हम आए हुए हैं मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 7 और महाराष्ट्र सामाजिक सेवा संस्था, एक संस्था जो आज जो है क्या नाम है इसको ओपनिंग कर रहे हैं और यहाँ मालोनी पुलिस स्टेशन के सीनियर PI साहब चीमाजी अड़ाव साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए स्वागत कराते हैं आपका श्री चीमाजी अड़ाव साहब से। स्वागत है सर एशियन टीवी न्यूज़ में आपका। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? महाराष्ट्र सामाजिक सेवा संघ ने आज का जो उर्स के निमित्त हसन भाई ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मालोनी पुलिस स्टेशन उनके साथ में है। सामाजिक काम जो भी अच्छा कोई करता है उसके साथ में हम रहेंगे। मालोनी के अमन शांति के लिए जो भी कोई अच्छा काम करेगा उसको हर प्रकार का सहयोग हम करेंगे और ऐसा ही शांति माहौल बनाए रखने के लिए हर मालोनी वासियों को हम धन्यवाद करेंगे। जी सर जी, ये संस्था जो आज ओपन हुई है, आप जो यहाँ पर आए हुए हैं और संस्था की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? संस्था को हम हमारी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे और उनको बेस्ट लक देते हैं, अच्छे काम के लिए हमारा हर सहयोग उनके साथ में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आइए हमारे साथ में जुड़े हैं मंगेश चौधरी साहब। मंगेश चौधरी साहब, स्वागत है आपका एशियन टीवी न्यूज़ में, क्या कहना चाहेंगे सर? आज ख्वाजा गरीब नवाज की छट्टी है, 812 हुआ उर्स जी। महाराष्ट्र सामाजिक संस्था और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कुछ हमारे सीनियर है और
सब मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस तरह मालवनी मलाड़ में हम लोग आए दिन मिलजुल के कार्यक्रम करते, जिस तरह गणपति और ईद मिलाद का कार्यक्रम जिस तरह साथ में किए थे, उसी तरह हर धार्मिक कार्यक्रम हम लोग सब साथ में करते हैं। और इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए मालवनी के सीनियर हमारे आड़ाव साहब है और ऐसे हमारे सब वरिष्ठ इस कार्यक्रम के लिए मदद करते सहयोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का हमसे बातचीत करने के लिए। आज के मेरे भाई, अगर परमेश भाई के अगर ऑफिस में कोई चला जाए तो वो कभी खाली नहीं आता था। आज इन्हीं बड़ों को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, जुनून होता है आगे बढ़ने का। जिस ट्रेन के इंजन की मजबूती होती है, डब्बा तभी भागता है। परमेश भाई मैंने कभी पॉलिटिकली तो नहीं देखा, पर एक संस्था समाज में उनको बहुत बेहतरीन काम करते हुए देखा है मैंने। कई लोगों को हॉस्पिटल में इलाज करते हुए देखा है मैंने इनको। पर मैं तभी भी पूछता था भाई को, क्या भाई कभी तो पॉलिटिक्स में आओगे? तो परवेश भाई ने बोले, और मैं ये खुद समझता हूँ, चारू नेता बोला जाता है, उस किस्म का काम मैंने परवेश भाई को करते हुए देखा है। मैं ये अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ये कहावत भी है कि बड़ों से सीख कर ही बच्चा आगे बढ़ता है। तो आज इस मंच पर ये जो मेरे बड़े बैठे हैं आते हैं और आप पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को भी बिलोंग करते हैं, तो राम जन्मभूमि का 22 तारीख को उद्घाटन है, तो महाराष्ट्र में मालाड़ में क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? देखिए कैसा है, आपने मालवनी की एक स्थिति देखा होगा, एक भाईचारे की स्थिति हमेशा इधर पर कायम हुई है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, जिस दिन गणपति विसर्जन का दिन था, दूसरे दिन ईद मिलाद का दिन था, तो जैसा ईद मिलाद और गणपति विसर्जन को एक साथ मिलकर सारे मालवनी के लोगों ने एक भाईचारे का पैगाम दिया है, उसी तरह जितने भी धार्मिक फेस्टिवल मालवनी मलाड़ में मनाए जाएंगे, उन सब में हम सब मिलकर भाईचारे से मिलकर सबका साथ देंगे। यहाँ पर कोई एक कम्युनिटी का साथ नहीं होता है, ये मलाड़ और मालवनी ने हमेशा एकता का पैगाम दिया है। और मैं हमारे यहाँ के जो मालवनी पुलिस स्टेशन है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमेशा वो जो हार्ड वर्क करते हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनकी यूनिटी के वजह से आज यहाँ के जितने भी धार्मिक फेस्टिवल है वो एक भाईचारा का पैगाम देते हैं और आगे भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि एजुकेशन में आप बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं, तो सामने मुंबई पब्लिक स्कूल है, म्यूनसिपल स्कूल है, जहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए बेंचेस वगैरह नहीं है, तो उसके लिए आप आगे कदम उठाएंगे? ये बात हकीकत है इंशाल्लाह, अगर स्कूल के लोग अगर मेरे तक पहुँचेंगे, और वो तक नहीं, मुझे मेरा ही काम है उन तक पहुँचना। जैसे कि आपने जो मेरे से सवाल किया है, तो मैं इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिल में बिठाऊंगा और उन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा और उनकी जो समस्या है वो जल्द से जल्द मैं हल करने की कोशिश करूंगा। नवाज खाजा गरीब नवाज का 812वां ऊंट मुबारक, यहाँ पर क्या कार्यक्रम का आवाज दर्शकों को बताइए? मैं आपके चैनल से सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मौका दिया चैनल के माध्यम से। देखिए आज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के जानिब से उर्स मुबारक पर, ये 812 उर्स पर आज मालवनी गेट नंबर 7 जमजम होटल के बाजू में जश्न गरीब नवाज मनाया गया, जहाँ पर महाराष्ट्र सामाजिक सेवा के मेरे सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर एक अच्छा तरीके से फातिया और लंगर का इंतज़ाम किया गया, जहाँ पर मेरे मलाड़ से सभी सामाजिक कार्य के लोग जो इस वक्त मेरे साथ में सिविलियन होमगार्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेश भाई मेरे साथ में हैं, मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि परवेश भाई ने आज हमारे हौसले बुलंद करने के लिए आज वो हमारे साथ में हैं। और ये मैं देख सकता हूँ कि आज भरी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, मलाड़ मानोली से लेके मुंबई के भी कई लोग यहाँ पर आए थे आज, जिसने जो जश्न गरीब नवाज के उर्स के मौके पर लोग ने बहुत अच्छे भाईचारा मिलकर, जिसमें मेरे काफ़ी हिंदू भाइयों ने भी हिस्सा लिया, और एक हौसला मीन्स ऐसे जगह पे हौसला बुलंद किया मेरा, मैं उन सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
महाराष्ट्र सामाजिक सेवा संस्था में आप किस तरीके की सोशल एक्टिविटी करने वाले आने वाले कल में क्या करेंगे? देखिए कैसा है, महाराष्ट्र सामाजिक सेवा संस्था काफ़ी अरसे से काम कर रहा है और हमारी जो तीन चीज़ है जो जिस पर हम ज़्यादा काम करते हैं, सबसे पहले एक एजुकेशन होता है समाज में। आज जो बच्चे जो अनएजुकेटेड है, हम उन बच्चों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं जिनको सही तरीके से एजुकेशन मिले। दूसरी चीज़ मेडिकल के लिए भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सामाजिक संस्था के ज़रिए से मैंने अभी तक मुंबई के 40 प्लस हॉस्पिटल विज़िट कर चुका हूँ, जहाँ पर जिसमें गरीब मजबूर मजलूम लोगों की आवाज़ के लिए मैंने अब तक के 40 हॉस्पिटल विज़िट करके लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया है। उसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जहाँ पर टूर्नामेंट वगैरह भी करते हैं। ये तीन चीज़ समाज में जो आज हम लोग कर रहे हैं, एक महाराष्ट्र सामाजिक सेवा संस्था एक काफ़ी पैमाने पे काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी एक अच्छे तरीके से बहुत से सारी चीज़ों पे काम करना बाकी है, जहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि एक संस्था एक अच्छे लेवल पे काम करेगी और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में मिलकर एक अच्छे पैमाने पे लोगों का साथ देगी।